भारत देश को पहले सोने की चिड़िया और दूध की नदियां बहने के नाम से जाना जाता था, लेकिन क्या आज के नए युग में किसी ने सोचा था कि हमारे देश में रुपए भी नाले में बह सकते हैं? सुनने में जरूर अचंभा लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल सही है। मामला मेरठ का है, जहां नाले में बह रहे नोटों में 100, 50 और 500 के पुराने नोट शामिल थे, जिनमें से कुछ नोट कट्टे और कुछ साबुत भी थे। बहते नोटों को देखने के लिए लोगों का मजमा लग गया, जिसके बाद कुछ लोग नोटों को निकालने में लग गए। नोटों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने नोटों को अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार शनिवार को थाना टीपी नगर क्षेत्र में रजवाहे में लोगों ने नोट बहते देखे। ये नोट 10, 50 और 100 रुपए के नोट के अलावा 500 रुपए के नोट थे। पानी में नोट बहते देखकर लोग हैरत में पड़ गए। धीरे धीरे मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस दौरान कुछ लोग नोट पकड़ने के लिए पानी में कूद गए। बताया गया कि कुछ नोट आधे कटे हुए भी थे। नोट की तलाश में लोग ठंडे पानी के अंदर चले गए। इसकी सूचना पाकर मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। एसपी सिटी मानसिंह ने बताया है कि टीपी नगर के नाले में करेंसी होने की सूचना मिली। करेंसी को कब्जे में लिया गया है और इस मामले की जांच का जो भी आवश्यक कार्यवाही होगी वो पुलिस कर रही है। एसपी सिटी मानसिंह चौहान ने कहा, नोट कहां से आए इस बारे में जांच पड़ताल कराई जा रही है। जल्द ही सच्चाई का पता लगाकर उचित कार्यवाही की जाएगी। इसमें पुरानी नोट के साथ करें